आगामी छठ पर्व को लेकर प्रशासन ने समाज जनों के साथ सर्किट हाउस पर बैठक ली, जिसमें शासन की गाइडलाइन के मुताबिक भीड़ नियंत्रण के लिए छठ पर्व को घाट की जगह अपने अपने घरों पर ही मनाने की बात प्रशासन द्वारा कही गई। वहीं समाज जनों ने भी अपने सुझाव रखे। हालांकि अभी शासन या जिला स्तर पर अंतिम आदेश नहीं आया है, लेकिन प्रशासन ने पूरी संभावना जता दी है कि छठ पर्व पर घाट पर भीड़ नहीं जाने दी जाएगी, इसलिए समाजजन घर पर ही पर्व मनाने की तैयारी करें। प्रशासनिक अधिकारियों की यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर में उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग 4000 परिवार निवासरत है। लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों की मौजूदगी में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में SDM आशुतोष गोस्वामी और CSP मनोज रत्नाकर ने समाज जनों से चर्चा में बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर जिला स्तर पर जारी आदेश में चल समारोह जुलूस भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी लगाई गई है। पर्व में लगभग 26 दिन बाकी है, लेकिन समाज जनों द्वारा पहले से ही तैयारी की जाती है, इसलिए समाज जन अपने घरों पर ही पर्व मनाने की तैयारी रखें क्योंकि घाट पर जाने पर पाबंदी रहेगी। छठ पर्व को लेकर सर्किट हाउस में एक बैठक संपन्न हुई थी। हाँ, आगामी आने वाले जैसे कि त्यौहार सब चल रहे हैं, उस त्यौहार में आगामी आने वाले समय में छठ का त्यौहार भी यहाँ नागदा में मनाया जाता है, जो कि बिहार के और अन्य क्षेत्रों की महिलाएं जो हैं विशेषकर यहाँ पर अधिक संख्या में हैं और उनके द्वारा यहाँ पर नैन डैम में, हनुमान डैम में, तीन जगह महतवास में इन्हें मनाया जाता है। चूँकि इस साल कोरोना का संक्रमण है और भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना, जैसा कि आपका देखा होगा रावण दहन में भी भीड़ को नहीं इकट्ठा होने दिया गया था और नागरिकों द्वारा, चाहे वो बिरला ग्राम के हों चाहे वो नागदा के हों, हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग दिया, हमने उसमें धन्यवाद भी प्रेषित किया था। इसी प्रकार से हमने जो छठ मनाने वाले अनुयायी जो हैं उन लोगों को सबको तीनों घाटों के बुला के पदाधिकारियों को हमने उनसे निवेदन कराया कि आप लोग अपने अपने घरों में छठ का त्यौहार मनाएं, चूँकि ये संक्रमण है और शासन की गाइडलाइन है कि भीड़ को इकट्ठे नहीं होने देना है। तो उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि इसका कुछ अल्टरनेट देखिए कि आपने घरों में छत है या जिनके यहाँ छत नहीं है तो घर के आगे, इस तरह से वो उनका त्यौहार भी मन जाए और शासन की गाइडलाइन का पालन भी किया।